हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बनाने जा रहे हैं बनारसी सेवइयां। तो शुरू करते हैं, उससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो ये पैन मैंने रख दिया है और फ्लेम मैंने बिल्कुल लो रखी है। और ये आप देख सकते हैं, 2 टेबल स्पून घी लिया है मैंने। इसको इस तरह पैन में डाल देंगे हम, और जैसे ही हमारा घी जो है वो मेल्ट हो जाएगा तो उसके बाद हम इसमें हमारी सेवइयां ऐड करेंगे। तो हमारा घी मेल्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो ये अब हम जो इसमें ये हमारी बनारसी सेवइयां हैं वो ऐड कर देंगे। सेवइयां हमने इसमें डाल दी, अब हम इसको रोस्ट करेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। और अगर अभी तक भी आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और उसके पास वाले बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी। सेवइयों को हमने लो फ्लेम पे तकरीबन 5 से 7 मिनट तक रोस्ट करना है, जब तक ये थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। तो जब तक हम रेगुलरली चम्मच चलाते रहेंगे, चम्मच को हमने छोड़ना नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं, 5 से 7 मिनट तक हमने इसको रोस्ट कर लिया है। तो देखें कितना अच्छा से इसका, ये देखें, ब्राउन कलर आ गया है। तो अब जो है हम इन सेवइयों को जो है एक प्लेट में निकाल लेंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। सेवइयां हमने प्लेट में निकाल ली हैं, अब हम जो है इस पैन में शीरा तैयार करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, चीनी ली है मैंने, ये 1 किलो चीनी है। इन सेवइयों में चीनी ज़्यादा डलती है तो ये चीनी हमने 1 किलो ली है। और अब हम जो है इसमें पानी डालेंगे, 1 लीटर ही हम इसमें ये पानी शामिल कर देंगे। अब हम इसको जब तक पकाएंगे तब तक इसकी चीनी जो है वो अच्छे से डिसॉल्व नहीं हो जाती। चीनी हमने इसमें अच्छे से डिसॉल्व करनी है, और इस शीरे को तकरीबन 5 से 10 मिनट तक पकाना है मीडियम फ्लेम पे। और अगर अभी तक भी आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और उसके पास वाले बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। तो ये आप देख सकते हैं, 10 मिनट तक हमने हमारे शीरे को पकाया है मीडियम फ्लेम पर। तो ये कितना एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी में हमारा शीरा पक चुका है। और हमने इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दिया था इसको, सेवइयों को जो है हल्का सा रंग देने के लिए। तो अब जो है हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे, अच्छी तरीके से इसको पहले ठंडा होने देंगे। तो शीरा हमारा ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसमें हमारी ये सेवइयां ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें ये पाउडर मिल्क ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसकी जगह खोया भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास खोया नहीं है तो आप ये पाउडर मिल्क का यूज़ करें। और अब एक बार हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम इसको 5 से 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे। 10 मिनट तक हमने हमारी सेवइयों को ऐसे ही छोड़ दिया था ताकि वो जो है शीरा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लें। तो ये आप देख सकते हैं कि शीरा जो है इसने अच्छे से अब्जॉर्ब कर लिया है, और ये अब बिल्कुल परफेक्टली तैयार है सर्व करने के लिए। तो अब इसे हम एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। तो ये सेवइयां आप देख सकते हैं, हमने एक सर्विंग बाउल में निकाल लिए हैं। और अब हम इसमें अब ये जो हमारे बादाम चॉप किए हुए हैं उससे ये गार्निश कर देंगे। आप चाहें तो इसमें पिसा हुआ खोपरा भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारी मज़ेदार सी स्वीट डिश तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और पास वाले बेल आइकन को तो क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो ये हमारी मज़ेदार सी सेवइयां तैयार हो चुकी हैं, आप इसका करीब से क्लोज़अप देख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा।